जय हिंद दोस्तों, सैनिक टॉप 10 न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बड़ी खबरें, ओआरओपी 2 पर अब केवल 3 समिति पर सिफारिश पर सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा अल्टीमेटम। दूसरी बड़ी खबर है, अब पेंशन 5 साल में बढ़ोतरी होगी, यानी कि 65 साल के बाद हर 5 साल में आपकी 5% पेंशन बढ़ा करेगी। 65 में 5%, इसके बाद 70 साल में 5% यानी कि 10% और 75 साल में 15% बढ़ोतरी होगी, यानी टोटल 20% आपकी पेंशन बढ़ोतरी हुआ करेगी 60 के बाद। दूसरी बड़ी खबर, अब सेना की वर्दी पर टिकटॉक व इंस्टाग्राम वीडियो अपलोड करने पर लगेगा बड़ा जुर्माना। बता दें कि ये सेना ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर इंस्टाग्राम वीडियो टिकटॉक पर आपने देखे होंगे कि कई सेना की वर्दी पहनकर सिविलियन ऐसे वीडियो बनाते हैं, कहीं किसी लड़की की गोद में बैठ जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, ऐसे वीडियो होते हैं जो कि सेना की छवि को खराब कर रहे हैं, उन पर लगेगी लगाम, आदेश जारी हुआ। तीसरी बड़ी खबर है, सीआरपीएफ जवान नरेश जाट की मौत पर एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिससे पता चला है कि अगर उसकी मौत रोकी जा सकती थी, अगर उसको छुट्टी के लिए हाँ कर देते बड़े ऑफिसर, उनके यूनिट के बड़े ऑफिसर अगर छुट्टी के लिए हाँ कर देते तो ये रोकी जा सकती थी उसकी घटना, जो सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने हत्या की, आत्महत्या की है, उसको रोका जा सकता था। ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर है, अग्निपथ पर सुनवाई 15 जुलाई को होने वाली है। 15 जुलाई को होगा कि ये अग्निपथ वापस होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। रोजगार से संबंधित समाचार में बता दें कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा है और 12th पास इसमें एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है ये वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ड्राइवर के पदों पर लगभग 1400 पदों पर ड्राइवर के पदों पर है, टोटल अगर देखी जाए तो 2300 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें एक्स सर्विसमैन कोटा है 10%, जरूर अप्लाई करें जो भी भूतपूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।